फिर से सिंधिया के खिलाफ उतरे केपी यादव, भाजपा में आया भूचाल। जी हां, आपको बता दें, गुना में क्रांतिकारी तात्या टोपे विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर एक बार फिर दोबारा ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी सांसद केपी यादव आमने सामने आ गए हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना पर दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार प्रकट किया है। सबसे खास बात है कि पुराने पत्र का, जिनका हवाला ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी यादव ने दिया है, आपको बता दें कि पत्र में सिंधिया ने लिखा था कि गुना जिले की बहुत समय से लंबित कृषि महाविद्यालय की मांग को पूरा करते हुए मेरे अनुरोध पर क्रांतिवीर तात्या टोपे कृषि महाविद्यालय की स्थापना पर मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव को समूचे गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की मेरे परिवार समान जनता की ओर से आभार। आपको बता दें, डॉक्टर केपी यादव ने अपने पत्र में लिखा कि गुना में विश्वविद्यालय के लिए क्षेत्रवासियों की ओर से निरंतर मांग की जा रही थी, जिसके लिए मैंने संसद में तथा मध्य प्रदेश सरकार में तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं प्रधानमंत्री के समक्ष मांग रखी थी, जिस पर कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी देते हुए गुना में विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की थी। अब विधिवत रूप से मुख्यमंत्री द्वारा गुना क्षेत्रवासियों को यह विश्वविद्यालय की सौगात प्रदान की गई है और विश्वविद्यालय हमारे अंचल के क्रांतिवीर तात्या टोपे जी के नाम पर की गई घोषणा के एक महान क्रांतिकारी का नई पीढ़ी से परिचय सदा के लिए अमर हो जाएगा। फिलहाल इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।